सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द कलम जोनर। भाई स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। कैसे आप सभी? तो फाइनली आज हम बात करेंगे किंग के प्रोजेक्ट खोबेदा नाम से, जो भी उनका प्रोजेक्ट आया है उसमें क्या क्या चीज़ें रहने वाली है, और थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि बहुत से व्यूअर्स को, लिसनर्स को समझ नहीं आ रहा कि ईपी है, एल्बम है, क्या चीज़ है। और जो इनका इंट्रोडक्शन आ चुका है और आज जो फर्स्ट चैप्टर है वो लॉन्च हो चुका है इनके ऑफिशियल यूट्यूब के किंग के चैनल से, उसको हम रिएक्ट करेंगे और उसको रिव्यू करेंगे और थोड़ी सी स्टोरी लाइन समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर में सब चल क्या रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल भाई मैं बता दूं कि खोबेदा एक ईपी का नाम है जिसे हम एक प्रोजेक्ट का नाम भी कह सकते हैं। इसमें हमारे चार चैप्टर्स आ रहे हैं, जो चैप्टर्स है ये एक तुम्हें मूवी की तरह दर्शाए जाएंगे, लाइक एक मूवी है और उसे चार पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, लाइक चैप्टर 1, चैप्टर 2, 3, 4। एंड इसमें जो है इस ईपी में आपको 3 गाने देखने को मिलेंगे, यानी 3 ट्रैक्स देखने को मिलेंगे जो कि एक के बाद एक आएंगे। अभी ड्रॉप कैसे होंगे वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि आपको पता है इंट्रोडक्शन है वो तो अलग रहता है, ठीक है। अब आज जो है वो चैप्टर 1 लॉन्च हुआ है उनके यूट्यूब चैनल से। इसके बाद चैप्टर 2 लॉन्च होगा? नहीं, इसके बाद होगा ट्रैक 1 आउट, देन फिर चैप्टर 2 आउट होगा, देन ट्रैक 2 आउट होगा, फिर चैप्टर 3 और फिर ट्रैक 3 एंड देन चैप्टर 4 द कैंपेन टॉक। और ये जो कैंपेन स्टॉक होने वाली है ये किंग की आने वाली एल्बम भी रहने वाली है। और अगर आपने पोस्टर में पढ़ा होगा तो उसके नीचे लिखा है भाई टू बी कंटिन्यूड, तो मतलब ये लिमिटेड नहीं है। ये अभी बस इतनी तुम्हारे सामने ये चीज़ें रखी है, इसके आगे और एक्सपेंड होगी खोबेदा या फिर जो कैंपेन स्टॉक है वो, क्योंकि वो एक प्योरली पूरी एल्बम रहने वाली है, ठीक है। तो भाई बातें करेंगे आज, लेकिन उससे पहले अगर आप भाई किंग के फैन हो, किसी के भी फैन हो, अगर आपको मेरी बातें पसंद आती है, चैनल पसंद आता है, रिएक्शन पसंद आता है, तो प्लीज़ भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेरे 6K सब्स के हम बहुत ज़्यादा पास में और आप सभी के सपोर्ट से मैं 6K सब्स तक पहुँच सकता हूँ। ऑलमोस्ट 100 या 150 सब्स चाहिए। बाकी अब हम करेंगे इसका रिएक्शन और देखते हैं भाई कैसा क्या रहने वाला है, ठीक है। और भाई फर्स्ट टाइम हो रहा है ऐसा इंडिया में कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट अनाउंस हो रहा है जो कि इतना मतलब एकदम डिफरेंशिएशन लाने वाला है इंडस्ट्री में या फिर DHH में, क्योंकि ऐसे मूवीज मतलब इंटरनेशनल में मैंने एक दो प्रोजेक्ट ऐसे देखे हैं, लेकिन DHH में दिस इज़ फर्स्ट टाइम आई एवर सीन, ठीक है। और भाई मैं तो जैसे कि तुम्हें पता जो कि इनकी पहले भी एल्बम्स आई है उनमें भी स्टोरी लाइन कनेक्टेड रही थी, जो लास्ट आई थी कार्निवल वगैरह, जितने भी एल्बम 2 एल्बम आई है सब में स्टोरी लाइन कनेक्टेड थी, और इसकी भी स्टोरी लाइन देखते हैं क्या रहने वाली है। और लेकिन मेरे ख्याल से जो खोबेदा ये जो प्रोजेक्ट है ये इनका करियर से रिलेटेड होने वाला है, ठीक है। तो भाई ये फालतू बातें नहीं करते, बहुत ही ज़्यादा लंबा इंट्रोडक्शन हो चुका है। ओके भाई, सो फाइनली अब हम करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना रिकॉर्डर ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद यार एक तो मैंने अपने PC में न्यू विंडो डालते बहुत ज़्यादा हैंग इशू, और भी सॉफ्टवेयर भी सारे नहीं डाले तो थोड़ा सा इशू देखने को मिल सकता है। पहली बात, अब जैसे कि मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, ये है इंट्रोडक्शन खोबेदा का, और इसमें किंग ने डिस्क्रिप्शन में लिखा है हमें लगता है कि हम की अपनी कहानी खुद लिखते हैं, पर ऐसा नहीं है, आपकी कहानी हर समय आप जी रहे हो पर लिखता कोई और है। तो इसका बहुत ज़्यादा डेप्थ में मीनिंग आता है कि जी तो आप रहे हो लेकिन लिखता कोई और है। कॉज इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। बहुतों की लाइन समझ में नहीं आई होगी, बहुतों की आ गई होगी, लेकिन मैं इस लाइन को अच्छे से समझ चुका हूँ। मतलब जी तो आप रहे हो लेकिन वो लिख कोई और रहता है। इसको ऐसे इसलिए बोला है, मान लो इन केस यू आर इन रिलेशनशिप, ओके। अब मान लो तुम्हारी कोई GF है या BF है, तुम्हारा पार्टनर कह के हम बात करें, तुम्हारा जो पार्टनर है वो तुम्हें खुशियाँ देता है, तो तुम एक हंसी खुशी ज़िंदगी बिताओगे, तुम्हारी केयर करता है, तुम बहुत खुश रहोगे। और वहीं अगर वो तुम्हें चीट करता है, दुख देता है, मारता है, गाली देता है, तो वहीं पे तुम्हारी लाइफ जो है वो स्पॉइल हो जाएगी, वो तुम्हारी लाइफ जो है वो सैडनेस में चली जाएगी। तो ये मैंने क्विक रिकैप दे रहा हूँ इस बात का कि जी आप रहे लेकिन उसे लिख कोई और रहा है, लाइक आपका पार्टनर लिख रहा है कि भाई तेरी ज़िंदगी कैसे जाएगी। अगर आपका पार्टनर आपको खुश रखेगा तो आपकी ज़िंदगी हंसी खुश जाएगी, अगर वो रुलाएगा तो आपकी ज़िंदगी में रोना धोना ही लगा रहेगा। तो डैट्स वाई किंग सेज जी आप रहे होते हो और लिख कोई और रहता है। कमेंट सेक्शन में बताना अगर किसी को ये बात नहीं पता थी, और अब अगर समझ आ गई है तो प्लीज़ भाई कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। और अब हम करते हैं भाई इसका रिएक्शन वीडियो ऑन, एक मिनट में फुल स्क्रीन कर लेता हूँ, और इंट्रोडक्शन का खोबेदा ओके यही है। तो भाई रिएक्शन स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन का राइट नाउ, समझने की कोशिश करेंगे स्टोरी क्या चल रही है। इस दुनिया में हर किसी की कहानी कहीं ना कहीं से शुरू होती है, मेरी यहां से हुई। Okay. As you know, ये असल है शो जो दिखाया। खोबेदा खोबेदा
ओके 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 कि ओके तो ये इसका था छोटा सा टीजर ट्रेलर या फिर इंट्रोडक्शन इस ख्वाबेदा प्रोजेक्ट का। और भाई मैं ये नहीं चाहता कि भाई इस प्रोजेक्ट में जो है बाकी एल्बम्स की स्टोरी लाइन भी कनेक्टेड रहे, क्योंकि फिर काफ़ी मेरे लिए भाई फिर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा मेरे लिए कि मैं समझूँ कैसे, क्योंकि मेरे को जो लास्ट प्रोजेक्ट्स हैं इनके एल्बम्स उनके बिल्कुल भी कुछ याद नहीं कि क्या चल रहा था क्या नहीं। ठीक है, अब जो हमने इंट्रोडक्शन का रिएक्शन कर लिया उसमें हमें ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला, बस छोटे बी रोल्स वगैरह देखने को मिला। लेकिन अब जो है हम चैप्टर वन का रिएक्शन करेंगे और इस चैप्टर का नाम है द लास्ट गैम्बल। ठीक है, और ये थोड़ा 2.5 मिनट का चैप्टर है तो इसलिए थोड़ा सा देखने में मजा आएगा। इसके डिस्क्रिप्शन में पढ़ लेते हैं, प्रेजेंटिंग द फर्स्ट चैप्टर लास्ट गैम्बल फ्रॉम द वीकली सीरीज ख्वाबेदा। ओ वीकली सीरीज मतलब हफ्ते, अच्छा हफ्ते हफ्ते में एक एपिसोड आएगा इसका। ऑन अ ब्राइट सनी आफ्टरनून आई एम वैन विद नथिंग बट अ क्रैकिंग रेडियो एंड अ पोस्टर वॉक्स डाउन अ बिजी स्ट्रीट्स। ओके, वो ढूंढ रहा है अपनी कहानी, ये क्या वो किसी और की कहानी का हिस्सेदार है। When someone is left with nothing to lose, he plays his last gamble, risking everything and maybe eventually losing everything will be lost or has gone. Okay. भाई मतलब ये जोन जो है वो थोड़ा सैड टाइप में जाएगा और रिलेशनशिप में ही जाएगा। तो आई चैप्टर वन द लास्ट गैम्बल का रिलेशन स्टार्ट करते हैं राइट नाउ। अब देखेंगे भाई क्या सीन चल रहा है। ओके भाई रेडियो ले रखा भाई एकदम विंटेज। बाल देखो कैसे जा रहे हैं। एक्टिंग स्किल्स द कार्निवल। ये क्या चिपका है? अरे वाह बेटे, अंकुर पाठक। अंकुर पाठक ना, या अंकुर पाठक। भाई दिस गाय इज माय फेवरेट है भाई ये बंदा। इसे तो एक्टिंग स्किल्स, इनके स्टैंड अप कॉमेडी, इनकी वाइंस वीडियो, इनकी वो मैकेनिकल गुरुजी, भाई मैंने सब कुछ देखा है अंकुर पाठक का। आई एम ह्यूज फैन ऑफ अंकुर पाठक, सीरियसली भाई। कोई यूट्यूबर ऐसा मेरे को नहीं लगता जो इनके लेवल को टच कर पाए। ले गई कहीं ईंट भी ले जाएगा इसकी फाड़ के। अरे ओ अरे बदम, अरे तेरा साबुन स्लो है के बंटी है भाई का। मैं शैम्पू यूज करता हूं। अरे वाह बेटे, कौन सा शैम्पू यूज करा है तू? हैं ये दिख क्या है इतना हेड एंड शोल्डर ऐसा दो धुआं तेरे डेंडर बात से अंडे गड़ता पता के कर रहा है। किंग अभी तक एक ऐसा इनविजिबल पोस्टर चिपका रहा है जो कि हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन वो पोस्टर इनविजिबल है। मैं ना ढूंढ रहा हूँ, आप तो पुलिस वाले हो, आपको तो पता होगा। अरे बेटे मेरे तो बता क्या ढूंढा है, किसने ढूंढा है भाई इतनी ताती धूप में, क्या ढूंढा है तू? मेरी कहानी आपने देखी होगी। लठ बच गया ना, एक बार तेरी कहानी निकाल दूंगा। अजी सर, अजी जी, अरे सुनो तो यहीं से शुरू हुई थी कहानी। एक लड़का था। अरे भाई उस लड़के ने सेक्टर 3 में चोरी कर दी, आगे बात समझ में। 5 मिनट में आ रहा तेरी कहानी सुनने के लिए, मैं तो दिख बनना चाहिए था। निकल घर उरा जा, इतनी गर्मी हो रही है पता ना। आएगा जी बाजी जो है ये इनके फर्स्ट ट्रैक का नाम है जो कि आउट होगा 13 मई चल रहा ना। हाँ 13 मई को। ओके तो मेरे को ये जो है चैप्टर वन थोड़ा थोड़ा समझ में आया है, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। किंग जो है वो मेरे ख्याल से अपने पास्ट में आया है अपनी कहानी ढूंढने, जहाँ से उनकी जर्नी स्टार्ट हुई थी। मेरी बातों का कहने का मतलब समझो, और ये मेरा एजम्पशन है बहन चोद इंग्लिश में जवान लड़खड़ा जाते यार, मतलब ये मेरी सोच है, मेरी प्रिडिक्शन है। बाकी सबकी प्रिडिक्शन अलग हो सकती है, और जो प्रिडिक्शन मेरी सच है या गलत है वो तो अब जब प्रोजेक्ट खत्म होगा उसके बाद ही पता लगेगी। तो बात करते हैं चैप्टर वन की। तो फिलहाल मेरे ख्याल से मेरे को यही लग रहा है कि किंग जो है अपनी सक्सेस पाके
दोबारा या सक्सेस पाके या फिर जब उन्हें चीट होता वो प्रोजेक्ट में पता लगा कि वो क्यों पास्ट में वापस आए, ठीक है, तो पास्ट में वापस आए अपनी कहानी ढूंढने की, कहाँ से उनका स्टार्टअप हुआ और कैसे क्या हुआ। और जैसे कि हमें एंड ऑफ द चैप्टर में दिखाया है कि उन्हें एक लड़की आती दिखती है, तो हो सकता है ये किंग की जर्नी का फर्स्ट स्टेप हो जब उनके पहला रिलेशनशिप, या फिर जैसे कि तुम्हें पता कि हसल से आने से पहले सबकी लव स्टोरी थी, लाइक बेला की भी थी और किंग भाई ने भी बताई थी अपनी, तो हो सकता है भाई ये स्टोरी रहे जिसके ऊपर वो एल्बम बनी थी मशहूर, ठीक है। तो भाई देखते हैं अब आगे क्या होने वाला। और मैं तुम्हें ये बता दूँ कि सिर्फ हमें चैप्टर्स में ही स्टोरी देखने को नहीं मिलेगी, हमें जो इनकी जो ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो आने वाली है गाने की, उसमें मेनली वीडियो पता लगेगी कि आखिर चल क्या रहा है और क्यों कैसे क्या सब कुछ पता लगेगा। ब्रेकडाउन में हर चीज़ कर दूंगा जो जो मेरे को समझ आएगा, ठीक है। आई एम नॉट गॉड एंड आई एम नॉट किंग कि भाई मैंने ही डायरेक्ट करी तो मेरे को सब कुछ पता हुआ, नहीं। लेकिन चैप्टर वन जो है वो एकदम ईजी था, वो मेरे को समझ में आ गया। वो अपनी स्टोरी ढूंढ रहा पास्ट में आके और वो उस लड़की से मिलते जो कि उन्हें मतलब जिनके साथ वो पहले रिलेशन में रह चुके हैं, जिसके साथ अब वो नहीं होंगे। तो बस भाई डेट्स ऑल, और फिलहाल चैप्टर वन तो खत्म होता है। वेट खत्म 13 तारीख का कि कब हमारा ट्रैक वन आएगा, ठीक है, जिसका नाम है बाजी। और तुम बताना कमेंट सेक्शन में तुम्हें क्या प्रिडिक्शंस हो रही है तुम्हारी, तुम क्या सोच रहे हो इस प्रोजेक्ट के बारे में, क्या तुम्हारे माइंड में थॉट्स चल रहे हैं और तुम्हें कहां तक लगता है मैं सही हूं या मैं गलत हूं। प्लीज़ ये जरूर बताना क्योंकि मेरे को भी पता लगा कि मैं सही कह रहा हूं अपनी ऑडियंस से या गलत कह रहा हूं, मेरी प्रिडिक्शन सही जा रही गलत जा रही, वो सारी चीज़ें तुम कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। और तुम्हें एक न्यूज़ अपडेट देना था कि भाई अब से मैं थोड़ी रिएक्शन वीडियोस कम करूँगा जिन पे कॉपीराइट्स क्लेम कम आते हैं, मतलब ज़्यादा आते हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल देखो मेनली बात, रिएक्शन वीडियोस में कॉपीराइट आते हैं, हर किसी गाने में आते हैं, हर किसी में 10 में से 10 गानों में से आते हैं, उस पर रिवेन्यू नहीं बन पा रहा बिल्कुल भी, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं बन पा रहा। मैंने अभी 6-7 महीने में यूट्यूब की पहली इनकम भी नहीं आई भाई मेरी, ट्रूली नहीं आई, ठीक है, तो इस वजह से भी कर रहा हूँ। और दूसरी बात है मेरे को एक खुद को सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा रिएक्शन वीडियोस करके, एंड सेकंड थिंग इज़ कि भाई कुछ अलग सा करने का मन कर रहा है, थोड़ी कंटेंट टाइप वीडियोस बनाने का मन कर रहा है थोड़ा कुछ। और तीसरी चीज़ जो मिल रही है कि कॉपीराइट क्लेम्स आने की वजह से चैनल की जो है वो रीच बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है, तो वो मेरे को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती क्योंकि सिर्फ कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आते, मतलब क्लेम्स नहीं आते, येलो डॉलर भी आता है, रेड डॉलर भी आता है, सब कुछ मिलाकर आता है, तो उसके वजह से चैनल की रीच काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाती है, व्यूज़ वगैरह सब कम हो जाते हैं। तो खैर ये तो रही बात की बात है, आप जो मैंने इस किंग्स लैन के बंदों से पूछा है तो कि तुम्हें रिकैप प्रेडिक्शन है तुम्हें कैसे लगता है सर कमेंट सेक्शन बता देना। आज की वीडियो करते हैं यहीं पे खत्म, टाटा बाय बाय, टेक केयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके आना, सिक्स से करवाने, लव यू ऑल।